लेक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेपीआईटी नालंदा, आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अभी ये थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। देखिए, if of t is a function defined for t greater than 0, then the Laplace transform of f of t is given by the Laplace transform of f of t is equal to integration of 0 to infinity e to the power minus st into f of t into dt। ये क्या हो जाता है, is equal to f of s। इसका मतलब क्या समझे कि जो Laplace transform होता है वो क्या किया, फंक्शन ऑफ टी को किसमें चेंज कर दिया, फंक्शन ऑफ एस में। फंक्शन ऑफ टी कहने का मतलब ये टाइम डोमेन हुआ, क्या हुआ, टाइम डोमेन हुआ, ये क्या हुआ, एस डोमेन। एस डोमेन कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करता है ये टाइम डोमेन को कन्वर्ट करता है किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूशन इसका करेंगे, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे, एफ ऑफ टी बराबर साइन ए टी दे, कॉस ए टी दे, कोई कॉन्स्टेंट दे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका एस डोमेन में चेंज हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। जैसे कि अगर आप बोल दें कि कोई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए कोई कांस्टेंट का, कांस्टेंट क्या हो सकता है, कोई अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या के मान लेते हैं। ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ के क्या होगा, तो यहाँ पे जो देखिए एफ ऑफ टी बराबर क्या हो गया, के हो गया, क्या हो गया, एफ ऑफ टी बराबर के। तो यहाँ पर एक कंडीशन होगा, k is not equal to 0, मतलब ये कांस्टेंट तभी होता है जब 0 के बराबर नहीं हो, यहां पे कंडीशन दे दी है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ k क्या होगा, ये निकालना है मुझे, है ना। तो क्या करेंगे, f of t की जगह पे क्या हो गया आपका, f of t की जगह पे यहां पे क्या आ गया, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t बाय डेफिनेशन क्या होता है, क्या लिखे हैं, 0 to infinity e to the power minus st into f of t, f of t की जगह पे कितना है, k है, तो k into dt। तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या है, ये कांस्टेंट है, तो अगर हम चाहेंगे तो बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू, ये अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, k into s to 0 to infinity e to the power minus st into dt, e to the power minus st into dt। अब इसका आपको क्या है, इंटीग्रेशन जानते होंगे, जानते हैं ना, इसका क्या होगा, k into e to the power minus st, e to the power minus st divided by क्या हो जाएगा, minus s, मतलब कि जो टाइम जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसकी कोएफिशिएंट कितना है, माइनस s है, डिवाइड में। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 टू, तो यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, k into e to the power minus s into infinity क्या हो जाएगा, minus infinity हो जाएगा, minus, पहले ये देखिए ये minus s है, इसको constant है ना, minus s बाहर निकालते हैं, minus क्या बचा, e to the power minus s into t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, है ना, ये कितना हो जाएगा, minus k by s into e to the power minus infinity कितना हो जाएगा, 1 by e to the power infinity, 1 by e to the power infinity इसका मतलब क्या हो जाता है, 0, minus e to the power 0 कितना हो जाएगा, 1। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स ये हो जाएगी k by s। इसका मतलब मुझे एक फॉर्मूला के तौर पे आ गया, क्या आ गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट क्या आ गया, के बाई एस, के बाई एस। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या आ गया, फंक्शन ऑफ इस, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया, एस डोमेन में आ गया। और एस क्या होता है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अगर कॉम्प्लेक्स बोले तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4, इसका निकालना है, फोर का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फोर बाई एस। ठीक है,
सिमिलरली इसी प्रकार से बहुत सारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बहुत सारे फंक्शन का, जो कि क्या होगा डिफाइन होना चाहिए टी ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है। अगर डिफाइंड अगर टी ग्रेटर देन जीरो पे नहीं होगा तो उसको हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि और भी बहुत सारा कुछ है, अब मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कुछ लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि अगर अगर हम लोग आप लोग निकालना चाहें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थीटा, किसका साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ठीक है। समझिए कि अभी एग्जाम टाइम है तो क्लास को स्टार्ट पे लिख जा रहा हूं। साइन थीटा क्या हो जा रहा है, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ए मींस ए साइन थीटा जो ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिमिलरली उस प्रकार से अगर आपको क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, अभी बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, यहाँ पे क्या हो गया एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है साइन ए टी है, मतलब कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी जब आप निकालेंगे क्या होगा 0 टू इंफिनिटी इंटू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी इंटू डी टी। अब देखिए ये किसका पार्ट आ गया, ये आ गया पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, किसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू इतना ही आएगा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, ठीक है। आप लोग अगर फ्री होंगे तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि sin a t का क्या हो गया a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, तो इसके हिसाब से इसी के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी हुआ, सिमिलरली उसी प्रकार से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी अगर निकालेंगे तो कितना होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी मीन्स टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ टू का स्क्वायर, कितना होगा का स्क्वायर मींस a बराबर कितना है 2 है ना, देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी कितना होता है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि a बराबर कितना है 2 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ 4, ठीक है। अब सिमिलरली बहुत सारा ऐसा फॉर्म होता है जो जो फॉर्म होता है वो हम एक बार होता है, मतलब कि लिस्ट ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये किसका किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सब लिखवा देते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो पहला लिखते हैं हम लोग सबसे पहले सॉल्व के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ के, मतलब कि क्या है के क्या है कांस्टेंट, क्या बोल रहे हैं के कांस्टेंट है, के क्या है के है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है तो उसको क्या भी निकाल देते हैं के डिवाइडेड बाय एस, यहां पर एक कंडीशन भी रहता है के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। दूसरा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, मतलब कि इसका भी उसी प्रकार से निकालेंगे फंक्शन ऑफ t बराबर क्या हो गया t टू द पावर n, ठीक है, तो उसका भी कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e to the power minus st into t to the power n into dt, इसको भी एक इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय s to the power n plus of 1, कोई कोई फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं s to the power n plus of 1, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना दे दे t स्क्वायर कर दे, मतलब n बराबर कितना होगा 2, तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s to the power 2 plus of 1 कितना हो गया 2 का फैक्टोरियल 2 होता है 2 गुणे 1 2 ही हुआ ना डिवाइडेड बाय s to the power 3, ठीक है।
सिमिलरली क्या होता है थर्ड नंबर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एटी ठीक है, इसका क्या होता है तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एटी का होता है 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ऑफ ए, ये फर्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी में भी आता है ठीक है। वेयर यहाँ पे कंडीशन रहता है एस ग्रेटर देन ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए एस ग्रेटर देन ए होना चाहिए ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एट, ये क्या होता है यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या माइनस है, इसका मतलब इसका हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई सॉरी एस नहीं 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ ए ठीक है। देखिए ये सब भी जितना भी फॉर्मूला है सब उससे हम लोग निकाल सकते हैं, किससे जो मेन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी कितना 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, एफ ऑफ टी बराबर यहाँ पे कितना ई टू द पावर माइनस ए टी, इसको तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए टी क्या हो गया देखो इसके फूल की कड़ी देता हूँ 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी बराबर क्या हो गया ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू डी टी, तो ये क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो माइनस टी अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एस प्लस ऑफ ए है ना इनटू डी टी, इतना होगा कि नहीं है ना इतना होगा ना क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे पावर ये बेस सेम है तो दोनों जुट जाएगा जब जो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस एस टी माइनस ऑफ ए टी होगा, तो अगर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस टी अगर कॉमन ले लिए क्या बचा एस प्लस ऑफ ए ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग जीरो से इन्फिनिटी, अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा ई टू द पावर एस प्लस ऑफ ए ई टू द पावर माइनस टी एस प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाई टी का कोएफिशिएंट कितना माइनस ऑफ एस प्लस ऑफ ए ठीक है। तो अब लिमिट पुट करते हैं इसमें जीरो टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे देखिए ई टू द पावर अपर लिमिट को अगर पुट करते हैं तो क्या हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया सबसे पहले तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, कौन सा कॉन्स्टेंट हो गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस ऑफ ए कॉन्स्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं तो बचा क्या है ई टू द पावर माइनस टी एस प्लस ऑफ ए, अब लिमिट पुट करिए 0 से इन्फिनिटी, अगर पुट करिएगा लिमिट तो 1 बाय एस प्लस ऑफ ए ई टू द पावर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, माइनस टी की जगह पे क्या हो गया इन्फिनिटी आ गया तो माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस 0 मींस 0 यहां पे ना, ये क्या बचेगा माइनस 1 बाय एस प्लस ऑफ ए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना 0 माइनस ऑफ 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस मतलब ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ऑफ ए, देखिए प्रूफ हो गया तुरंत लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना ई टू द पावर माइनस ठीक है क्लियर। ऐसे ही सारा जितना भी हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का सारा का सॉल्व होगा ठीक है। तो चार तक हो गया, पांचवा से लिखेंगे फिर स्क्रीनशॉट लेना है पांचवा है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी, इसका साइन एटी बता दिए ए डिवाइडेड बाय क्या होता है एस स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। छठा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी है ना, कॉस एटी का क्या होता है एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ठीक है। तो अगर देखिए कॉस एटी लिखे है ना, तो अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस थ्री टी क्या भी लिखा है कॉस थ्री टी कितना हो जाएगा देखो एक इधर में कितना थ्री इसका हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ ये ए का स्क्वायर कितना हो गया थ्री का स्क्वायर मीन्स एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ नाइन, ये तो ये एक्चुअली क्या हुआ देखो ये फंक्शन ऑफ टी है लेकिन जो ये अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कर देते तो किस में आ जाता है फंक्शन ऑफ एस करते हैं मतलब एस डोमेन में आ जाता है, इसको कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एस से भी ये सब डिनोट किया जाता है, मतलब ये क्या हो गया ये फंक्शन ऑफ एस हो गया है ना।
सातवां नंबर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ शाइन हाइपरबोलिक एटी है ना, ए इसका कितना होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है ना। इसमें भी एक कंडीशन होता है एस स्क्वायर को ग्रेटर देन होना चाहिए ए स्क्वायर से। आठवां नंबर है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच एटी, ये हो जाता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर भी कंडीशन होता है कि एस स्क्वायर को ग्रेटर देन होना चाहिए ए स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी होती है समझिए, एक ही तीन प्रॉपर्टी जनरली आप लोग पढ़ना है, तीन या चार प्रॉपर्टी। ठीक है, देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी देख लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करता है, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि इफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जी ऑफ टी एंड एच ऑफ या फाइव ऑफ टी लिख देता हूँ, फाइव ऑफ टी लिख सकते हैं, फाइव ऑफ टी मतलब कि तीन फंक्शन है, इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी जी ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी विद कैपिटल एफ ऑफ एस। देखो अगर एस डोमेन में लिखेंगे तो हम मेरा अपना है अनुसार से लिखता हूँ कि एस डोमेन वाला जो भी फंक्शन शो करता हूँ यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस करता हूँ, और जो टाइम डोमेन वाला है वो स्मॉल से तो आप लोग ऐसे करेंगे आंसर तो सही रहेगा। क्या हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या है एफ ऑफ एस जी ऑफ टी जी ऑफ एस एंड फाई ऑफ एस रिस्पेक्टिवली, देन लिनियरिटी प्रॉपर्टी में कहता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू g of t plus c of phi of t क्या होगा है ना। इसमें क्या है कि देखो इसमें अलग अलग कर लेंगे, सिंपल लिनियरिटी प्रॉपर्टी यही कहता है, यही कहता है क्या a b c यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो जैसे ही कांस्टेंट है क्या करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ a of f of t plus लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ b of g of t लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ c ऑफ phi ऑफ t। इसको हम लोग कितना देख सकते हैं a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, जब a कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए तो बचा कितना लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t प्लस लैप्लेस b इनटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t प्लस c कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ phi ऑफ t। जब इसका हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं तो देखो a इनटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म f ऑफ t बराबर कितना f ऑफ s हो रहा है, ये हो गया f ऑफ s प्लस b इनटू f ऑफ s प्लस c इनटू f ऑफ s। ठीक है, वेयर a b c क्या है a b c इज द कांस्टेंट, a b c आर द कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फर्स्ट सिप्लिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिखे जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जी ऑफ एस ना बी क्या हो जाएगा बी ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस प्लस ऑफ सी ऑफ कैपिटल फाइव ऑफ एस। ठीक है, ये मिस्टेक था, ये कर लीजिए। ठीक है, इतना होगा। अब आगे दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है कैपिटल एफ ऑफ एस, देन the Laplace transform of e to the power a t into f of t कितना होगा, function of s minus of a, समझ रहे, इसी को बोलते हैं हम लोग first shifting property। क्या हो गया e to the power a, मतलब इसमें shifting किसमें हुआ, s domain पे, s minus of a, इसी को बोलते हैं first shifting property। ठीक है, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी या तो हाँ इंटू साइन के टी कितना होगा, तो कितना बताएंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ टी बराबर कितना है साइन के टी, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो भी निकले हो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एस हो जाएगा, उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इससे क्या होगा है ना, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे f of t बराबर आपको कितना है sin k t, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin k t कितना होगा, अभी तो कुछ देर पहले बताया था sin k t कैसे a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, यहाँ पे क्या a की जगह पे क्या k है, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर है ना। अब ये क्या हो गया, ये फंक्शन ऑफ एस है, यानी ये फंक्शन ऑफ एस। अब इसके बाद इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब कि जो लिखा हुआ है e टू द पावर 18 इनटू sin के टी, अब e टू द पावर 18 इनटू sin के टी बराबर कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एस माइनस ऑफ ए, फंक्शन ऑफ एस माइनस ऑफ ए, तो फंक्शन ऑफ एस तो आपको मालूम है कितना है k डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, फंक्शन ऑफ s माइनस a कितना हो जाएगा k डिवाइडेड बाय s माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर, अब यहां पर आप k है ना, तो ये k स्क्वायर होगा, क्या होगा k स्क्वायर, मतलब s माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं sin k t हो गया, अगर हम बोलते हैं इसी क्वेश्चन में कि दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, और अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इनटू sin t, क्या हो गया sin t, तो क्या होगा सबसे पहले फंक्शन ऑफ t बराबर कितना है sin t है, तो फंक्शन ऑफ t बराबर यहां पे कितना है sin t है, उस पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा फंक्शन ऑफ s निकालना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ s कितना होगा मतलब कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे t का, मतलब फंक्शन ऑफ t का, तभी तो फंक्शन ऑफ s निकलता है, ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ s कितना हो जाएगा sin t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, आप जानते हैं कितना होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t कितना होता है, पहले जानते ही होंगे, देखिए at मतलब a का यहां पे क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ 1, 1 का स्क्वायर क्या 1, अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या जो दिया हुआ है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला e टू द पावर 2t इनटू sin t, ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब सिमिलरली इसी में आप लोग को अगर बोला जाए कि बता दीजिए e टू द पावर थर्ड
question. E to the power minus 3t into cos t into cos t dio. सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? Function of t है. इसको अगर निकालना है ना, find evaluate Laplace transformation of minus 3t into cos t. ठीक है? इसमें भी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले Laplace transform of क्या निकलेगा? Cos t निकलेगा, है ना? Laplace transform of cos t क्या होता है? S divided by s square plus of a square. ये बराबर कितना है? 1 cos t बताया था ना? तो यहाँ पे a बराबर कितना है? 1 हो जाएगा. अब इसी में सिफ्टिंग फर्स्ट सिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया है तो Laplace transform of e to the power minus 3t into cos t कितना होता है? देखो s माइनस मतलब कि यहाँ पे क्या है? e to the power minus 8t. तो हम लोग कुछ देर पहले ही बताए थे आपको Laplace transform of e to the power minus 8t into f of t अगर हो गया तो कितना हो जाएगा इसका? f of s plus of a. देखो यहाँ पे अगर प्लस ए है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस. अगर यहाँ पे माइनस ए टू एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ टी है तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एस प्लस ऑफ ए. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. प्लस मानो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. तो मतलब एफ ऑफ एस प्लस ऑफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस प्लस ऑफ थ्री डिवाइड बाई एस प्लस ऑफ थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वन, है ना? तो ये हो गया. ये फर्स्ट सिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया. अब हम लोग चलते हैं सेकंड सिफ्टिंग प्रॉपर्टी में. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड सिफ्टिंग प्रॉपर्टी. मतलब कि यहाँ पे देखो प्लस 80 था तो यहाँ पे f of s minus of a वन. सिमिलरली अगर यहाँ पे अभी तो क्या है वहाँ पे कि Laplace transform of e to the power minus 80 into f of t अगर होगा तो क्या हो जाएगा? a function of s प्लस ऑफ ए हो जाएगा. ठीक है? मतलब यही वाला फॉलो यही कर रहा है. ठीक है? यहाँ पे देखो प्लस था तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है? अब देखते हैं हम लोग सेकंड सिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करता है. सेकंड सिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, सेकंड सिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है? तो इफ इसका कंडीशन है इफ function of t is equal to मतलब Laplace transform of f of t is equal to f of s and कोई g of t defined है. कोई g of t क्या है? defined है कुछ इस प्रकार से कि zero, जब g of t zero होगा कब? जब when t less than a and defined होगा मतलब g of t कुछ defined होगा कब? f of t minus a log जब में t greater than a. ठीक है? t greater than a पे f of t minus a define हो रहा है. ठीक है? और t less than a पे क्या हो रहा है? g of t zero हो रहा है. तो उस condition में Laplace transform of f of t क्या होगा? तो Laplace transform of f of t होगा यहाँ पे e to the power minus a s into f of s. क्या होगा? f of s. यही आपका क्या हो गया? सेकंड सिफ्टिंग प्रॉपर्टी. देखो यहाँ पे क्या है, किस पे डिफाइन हो रहा है? t greater than a पे f of t minus a है. तो Laplace transform of f of t क्या हो जाएगा? t to the power minus a is into f of s. इसका भी एग्जांपल आगे करवाऊंगा. ठीक है? चिंता ना करें, ये सबका भी एग्जांपल करवाऊंगा. क्वेश्चन आते जाएगा. अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं. अगर कोई भी फंक्शन में क्या हो जाए, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी, हाँ कोई भी फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई हो जाए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बाय टू द पावर है. इसका मैं भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा. मतलब कि फंक्शन ऑफ t में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाए? t टू द पावर n. उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n. उसमें क्या होगा? जैसे कि आप लोग इफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बराबर कितना हो जाए?
f of s है, then the Laplace transform of t to the power n into function of t क्या होगा, है ना? इस condition में देखिए क्या हो जाएगा, minus 1 to the power n into differentiation of nth order of f of s with respect to s to the power n, ठीक है? मतलब कि dn f of s divided by ds to the power n, ये क्या हो जाएगा, Laplace transform of t to the power n. अगर t to the power n से multiply हुआ है function of t में, उसका Laplace transform क्या हो जाएगा, minus 1 to the power n into differentiation of nth order of f of s with respect to s to the power n, ठीक है? मतलब कि differentiation of nth order of f of s with respect to s, ठीक है? अब ये हो गया, है ना? तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर दे देता हूँ, Laplace transform of t into f of s, f of t, ठीक है? तो अगर देखिए f of t का Laplace transform क्या होता है, f of s, इसका क्या हो जाएगा, minus 1 to the power 1, t का पावर कितना है यहाँ, 1 है, ये 1 into differentiation of first order है, n number 1 है, first order है, तो differentiation of f of s with respect to s, ठीक है? अगर यहाँ पे क्या रहता है, Laplace transform 2 रहता है, मतलब कि multiply होता है ts by itself, क्या हो जाएगा, ts by itself minus 1 to the power क्या है, n बराबर कितना 2 है, 2 हो जाता है, तो differentiation of second, मतलब d2 f of s with respect to ds square, मतलब divided by ds square, है ना, मतलब d2 f s divided by ds square. चलिए हो गया. अब हम लोग कुछ एक चीज और, डिवीजन बाय टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन बाय टी पावर एन से क्लियर है, तो डिवीजन भी देख लेते हैं ना, देखते हैं ये, उसके बाद सारा इंपॉर्टेंट खत्म हो गया. अब हम लोग सारा सारा क्वेश्चन लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं. तो डिवीजन बाय टी ये क्या होगा, तो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी देखो, है ना, डिवाइड बाय टी इसका कितना होता है Laplace transform. अगर यहाँ पे क्या है, if ये कब दिया हुआ रहता है, अगर if Laplace transform of f of t is equal to कितना है f of s, then the Laplace transform of f of t divided by t कितना होगा, ये हो जाता है integration of s to infinity f of s with respect to s, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए. चलिए ठीक है, इतना होता है. अब हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन करता है. Laplace transform of e to the power 2t plus of e to the power 2t plus 3 plus of t कर देता हूँ, ठीक है, इसका Laplace transform कैसे निकलेगा. तो देखो linearity theorem से इसको तो अलग अलग कर लेगा आप सबसे पहले, तो Laplace इसका कितना हो जाएगा, Laplace transform e to the power 2t plus of Laplace transform of 3 plus of Laplace transform of t, है ना, तो ये क्या हो जाता है e to the power 2t, है ना, क्या हो जाता है इसका 1 by s minus 2 हो जाएगा, है ना, plus of 3 by s plus of ये क्या है Laplace transform of t, क्या हो जाएगा 1, t का power कितना है 1 है, 1 का factorial divided by s to the power n plus of 1, तो 1 plus of 1 क्या हो गया 2, ये हो गया, ये पूरा का कंसेप्ट कितना हो गया, इतना हो गया इसका पूरा का आंसर, ठीक है. देखो ये हम बोल रहा हूँ e to the power 2t का कितना लिखा जाता है, 1 by s minus 2, देखो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं Laplace transform of 1 कितना हो गया 1 by s, ये फर्स्ट सिंपलिंग प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो e to the power 2t into 1 कितना होगा, ऐसे 1 by s जानते हो ना, तो अगर सिर्फ फर्स्ट सिंपलिंग प्रॉपर्टी लगा देते हो तो क्या हो जाता है, एक Laplace transform of e to the power 2t into f of t रहता है, तो क्या लिखते हो f of s minus of t,
है ना, तो मतलब कि फंक्शन ऑफ टी की जगह पे कितना है 1 है, तो 1 बाय s हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 बाय s, ये फंक्शन ऑफ s होगा कि नहीं, है ना। अब उसमें क्या हो गया, फर्स्ट की प्रॉपर्टी लग गया e टू द पावर 2t, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ s माइनस ऑफ 2, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाय s माइनस ऑफ 2, ऐसे भी हो गया है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको दे दे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म sin 3t plus of cos 2, तो क्या हो जाएगा इसका, बहुत ही सिंपल, इसको भी अलग अलग कर लीजिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t plus of लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब फार्मूला आपको पता नहीं होंगे, फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a कितना हो जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, ये भी आप कितना 2 2 का स्क्वायर, क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं ना फार्मूला, अगर याद नहीं है देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अभी तो बताया था कितना होता है a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a क्या होता है a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, हां तो यहां पे कितना है 1 दैट 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पे क्या है 1 दैट क्या 2 है, तो s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि sin स्क्वायर टी का निकालते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, अब तो शायद बोलिए हाँ sin स्क्वायर टी का भी निकलेगा, देखिए अगर बोला जाए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर टी ये कितना होगा, तो इसका निकालेंगे सबसे पहले, ऐसे तो कोई फॉर्मूला हम नहीं बताए हैं आप लोग को, तो क्या करना पड़ेगा sin स्क्वायर टी को तोड़ना पड़ेगा उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे cos 2t का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर t, ना लिख सकते हैं ना, तो 2 sin स्क्वायर t बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 2 sin स्क्वायर t बराबर लिख देंगे 1 माइनस ऑफ cos 2t, तो sin स्क्वायर t बराबर कितना होगा 1 माइनस ऑफ cos 2t divided by 2, sin स्क्वायर t का कितना होगा 1 minus of cos 2t divided by 2, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर t लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 minus of cos 2t divided by 2, है ना, ये देखिए 2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकालिए 1 by 2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 by 2 Laplace transform of cos 2t हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 by 2, ये क्या हो जाएगा 1 by s, 1 का क्या हो जाएगा 1 by s, समझिए 1 by s minus 1 by 2 Laplace transform of cos 2t क्या हो जाएगा, अभी तो बताए थे s divided by s square plus of 4, ठीक है, मतलब कि s divided by s square plus of a square का कितना 2, हम लोग लिख सकते हैं 1 by 2 जैसे था कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 by s minus of s divided by s square plus of 4, इसको आप सॉल्व भी करके लिख सकते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इनटू कॉस 3t, ये क्या होगा, है ना, इसको बनाइए आप लोग, ये भी क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इनटू कॉस 3t, कैसे ये होगा देखिए, इस फॉर्म का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं जानते, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले इसको क्या किया 1 by 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 by 2 कांस्टेंट है, पहले बाहर निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2, अगर ऐसे भी लिखना चाहते हो सब चीज़ अंदर लिखो, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका फॉर्मूला नहीं जानते तो
और इसको b है ना, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 sin a into cos b का। सबसे सिंपल तरीका, अगर ये फॉर्मूला नहीं डिफाइन कर पा रहे हो तो sin a plus b का तो फॉर्मूला जानते ही होगा, ठीक है ना, sin a plus b का फॉर्मूला जानते होंगे आपको, क्या जानते हैं फॉर्मूला देखिए बताइए, sin a plus b बराबर क्या होता है, sin a into cos b plus cos a into sin a, ये फॉर्मूला जानते होंगे। फिर sin a minus b बराबर भी जानते होंगे, sin a into cos b माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे टू साइन ए इंटू कॉस बी बचा हुआ है, तो क्या हुआ, कौन वाला पार्ट बचेगा, अगर ये दोनों को कैंसिल कर देंगे ऐड करेंगे केवल साइन वाला पार्ट बचेगा ना, देखो टू साइन ए इंटू कॉस बी कैंसिल कर दिए, बचा क्या, ये साइन ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी है ना, दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। अब देखो एक इसको मानते हो आप लोग, एक इसको मानते हो, देखो अगर ए इसको मानो या तो बी, ए अगर इसको मानते हो तो कितना हो जाएगा, वन बाई टू, तो पहले बाहर निकाल लो, बचा कितना, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b बराबर क्या होता है, sin a plus b plus of sin a minus of b, तो क्या करेंगे, sin a plus of b, sin a plus b कितना हो जाएगा, 2t plus of 3t, कितना हो गया 5t, 2t plus of 3t कितना हो गया 5t plus of sin a minus of b, a बराबर कितना 2t minus of 3t, कितना हुआ minus of t हो गया, ठीक है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 by 2 into sin of 5t, देखो sin minus theta कितना होता है, minus sin theta बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं minus of sin t, है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म छूट रहा है ना, 1 by 2 छूट दिए ना, हाँ तो अब ये हो गया 1 by 2, अब फिर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या छूट रहा है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, ये कितना हो जाएगा 1 बाई टू, तो पहले ही बाहर है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5 टी कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन टी कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है, यही इसका इतना आंसर है, इसका फाइनल आंसर इतना ही है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलिए अब हाँ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो जाए, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 2t इनटू t का पावर q, क्या होगा, देखिए फंक्शन ऑफ t बराबर क्या है, t टू द पावर q, तो पहले इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर q कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e टू द पावर क्या 3 प्लस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि आप लोग क्या जानते हैं ना जी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन कितना होता है, कितना होता है फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन प्लस ऑफ 1, उस प्रकार से इसको तोड़े तो फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना होगा, 3 इनटू 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाय ए का पावर 4, तो 3 इनटू 2 इनटू 1 कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 4, अब उसमें क्या लगा होगा, फर्स्ट सिटिंग प्रॉपर्टी लगा होगा, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर 2t इनटू t का पावर q कितना हो जाएगा, देखो f ऑफ s बराबर कितना 6 डिवाइडेड बाय h टू द पावर 4, 6 डिवाइडेड बाय h टू द पावर 4 हुआ, ये e टू द पावर 2t इनटू अगर f ऑफ b करेंगे कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ s माइनस ऑफ 2 है ना, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इनटू f ऑफ t की जगह कितना t क्यूब है, कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ t क्यूब
का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाले 6 डिवाइडेड बाय h2 का 4 होता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए h2 का 2t लगा 6 डिवाइडेड बाय s माइनस ऑफ 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 देखो ना मतलब कि s माइनस ऑफ 2 हो जाएगा ना फंक्शन ऑफ s माइनस ऑफ 2 हो जाएगा फंक्शन ऑफ s का कितना 6 डिवाइडेड बाय h2 का 4 फंक्शन ऑफ s माइनस 2 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 का पावर ठीक है एक चीज और एक क्वेश्चन और करवा देता हूं अगर कोई क्वेश्चन है फाइन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t into sin 3t sin 2t into sin h3t इसका क्या होगा तो देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म sin 2t into sin h3t है तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे sin of h8t बराबर कितना लिखना है ना या तो sin of h8t बराबर कितना h8t बराबर कितना जानते हैं sin of h8t बराबर होता है e to the power at minus of e to the power minus 8t divided by 2 इतना फॉर्मूला होता है कि नहीं sin of power hyperbolic at बराबर होता है e to the power at minus of e to the power minus 8t divided by 2 similarly अगर यहां पे cos h8t रहा तो cos h8t में लिखते हैं e to the power at plus of e to the power minus 8t divided by 2 लेकिन यहां पहले ही कितना sin h3t है sin h3t को कितना लिख सकते हैं sin h3t को हम लिख सकते हैं e to the power 3t minus of e to the power minus 3t divided by 2 तो क्या है sin 2t into sin of h3t लिखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t अब देखिए sin h3t के बराबर कितना लिख सकते हैं मतलब कि e to the power 3t माइनस ऑफ टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2 है ना अब देखो मल्टीप्लाई करो ये 1 बाय 2 क्या है ये 2 क्या है कांस्टेंट है बाहर ही निकाल रहे इंटीग्रेशन से अगर इंटीग्रेशन से बाहर 1 बाय 2 को निकाल तो क्या होगा 1 बाय 2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई करिए e टू द पावर 3t मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होने लगेगा e टू द पावर 3t इनटू sin 2t minus of Laplace transform of e to the power minus 3t into sin of t है ना तो ये क्या हो जाएगा 1 by 2 Laplace transform e to the power 3t into sin 2t कितना हो जाएगा 2 divided by s minus of 3 का whole square plus of 2 का square कितना 4 minus लैप्लेस ट्रांसफॉर्म e to the power minus 3t into sin 2t ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये जो 1 by 2 है बाबू ये दोनों में रहेगा ना ये 1 by 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो minus 1 by 2 इसको भी कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय e to the power minus 3t है तो मतलब कि s plus of 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा देखो ये 1 by 2 2 कैंसिल हो गया ये 1 by 2 कैंसिल हो गया मतलब ये हो गया 1 divided by s minus 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1 divided by s minus 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इसका आप सॉल्व कर सकते हैं ये सॉल्व कर हो गया सर हां s plus of 3 ये s minus of 3 ठीक है इतना ही इसका आंसर होगा किसका इतना का ठीक है इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं इसको मतलब कि आप लोग तोड़ सकते हैं ए नीचे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए उधर ए प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर पे इसको आप सही से भी लिख सकते हैं मतलब कि इसको दोनों पे एलसीएम लीजिएगा कितना होगा एस माइनस ऑफ थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ फोर इंटू एस प्लस ऑफ थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ फोर तो ये जो हम लोग करिए कितना हो जाएगा एस प्लस ऑफ थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ फोर माइनस ऑफ s plus of 3 का s minus of 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इससे जितना पूरा
तो यहाँ पर भी छोड़िएगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये बड़ी वाला सारा कुछ मिल जाना चाहिए, कुछ छुपना नहीं चाहिए किसी प्रकार का। फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस 2t, ये इसका कितना होगा ना, तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको आपको हम बताया था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी रहेगा, क्या होगा ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी बताया था ना, कितना होता है माइनस वन का पावर एन है ना, माइनस वन का पावर एन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बी एन एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू बी एस टू पावर एन है ना। तो यहाँ पे कितना है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबसे पहले तो क्या है फंक्शन ऑफ टी कितना है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टू टी है ना, ये कितना बराबर हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ टू का स्क्वायर फोर, ये कितना हो गया फंक्शन ऑफ एस हो गया ना, ये जब हो गया तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इन टू कॉस टू टी कितना हो जाएगा, तो ये टी मल्टीप्लाई हो गया, अगर टी का पावर कितना है वन है तो माइनस वन का पावर कितना हो गया वन इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर विद रिस्पेक्ट टू एस, ये कितना हो गया माइनस वन माइनस ये वाला माइनस वन का पावर वन माइनस हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ एस, तो यू बाई डी कितने आते हैं वी स्क्वायर, क्या क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u by v क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, आप जानते होंगे v स्क्वायर v इनटू du by dx v इनटू du by dx माइनस ऑफ u इनटू dv by x ना होता है ना, यहां पे क्या करेंगे v की जगह क्या है s स्क्वायर प्लस ऑफ 4, तो s स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर, फिर ये s स्क्वायर प्लस ऑफ 4 बड़ा डिफरेंशिएशन किसका होगा s का s के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस डिफरेंशिएशन माइनस क्या हो गया एस का डिफरेंशिएशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर विद रिस्पेक्ट टू एस, ये कितना हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर जो है डी एस का इसके रिस्पेक्ट एस का इसके रिस्पेक्ट में वन डिफरेंशिएशन, फिर एस एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर का एस एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा एस इंटू टू एस है ना, और फिर फोर का भी कितना हो जाएगा जीरो इंटू एस वन, कितना हो गया माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर माइनस ऑफ टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर का होल स्क्वायर, ठीक है ये कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ऑफ टू स्क्वायर कितना हो गया फोर माइनस ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, अगर ये वाला माइनस इसके अंदर लेके चले गए तो कितना हो जाएगा बाबू एस स्क्वायर माइनस ऑफ फोर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ फोर का होल स्क्वायर, बस इतना ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक डिवीजन वाला देख लेते हैं हम लोग है ना, एक डिवीजन वाला किए थे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे कि क्या है ये बताया बताया होगा फंक्शन ऑफ टी टी, अगर इफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना हो जाए एफ ऑफ एस है तो क्या होगा है ना, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, ये क्वेश्चन ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी ई टू द पावर एफ ऑफ एस इंटू डी एस, ठीक है। तो अगर हम आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, क्या क्वेश्चन देता हूँ फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी डिवाइड
ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब कि एफ ऑफ टी की जगह पे कितना है यहाँ पे, एफ ऑफ टी की जगह पे कितना है साइन टी, या फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी डिवाइड तो टी से हुआ है ना, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन टी कितना होगा, वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ वन, ठीक है। अब इसको हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, ये क्या हो गया, एफ ऑफ एस हुआ कि नहीं, एफ ऑफ एस नहीं हुआ ना, साइन टी डिवाइडेड बाई टी कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी, लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस, एफ ऑफ एस का कितना 1 by s square plus of 1 into ds, तो 1 divided by s square plus of 1 क्या जानते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे ना, 1 divided by 1 plus of x square कितना जानते हैं, with respect to x कितना जानते हैं, ये 10 inverse of x plus of c है ना, उसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा 10 inverse of s, कितना s से ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ s। अच्छा एक चीज बता दीजिए, tan का वैल्यू इंफिनिटी कब होता है, tan का वैल्यू, tan इनवर्स इंफिनिटी है इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, tan का वैल्यू इंफिनिटी कब होता है, tan का वैल्यू इंफिनिटी होता है sin का वैल्यू जीरो कब होता है, जीरो पे, तो sin का वैल्यू वन कब होता है, 19 पे, cos का वैल्यू 0 कब होता है, 90 पे, sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 मींस tan 90, ये कितना हो जाएगा pi by 2, ना 90 का मतलब pi by 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ s, तो pi by 2 माइनस tan इनवर्स x कितना हो जाता है cos इनवर्स ऑफ s, ये आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कांसेप्ट में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, इसके क्या हो गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया sin t डिवाइडेड बाय t का कितना हो गया cos इनवर्स ऑफ s, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, देखेंगे ओवरऑल तो खत्म ही हो गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।